मुझे लगता है कि ये इंटरनेट और ये ओवर इन्फॉर्मेशन की दुनिया, OTT की दुनिया ने आपको आपसे ही छीन लिया है। आप इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरे हुए हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। कहते हैं ना कि इतने टुकड़ों में बट गया हूँ मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, तो ज़िंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। मेरा नाम विवेक पांडे है, मैं 2003 बैच IAS UT कैडर का हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा कि एक IAS अफसर की, या व्यक्तिगत रूप से मेरी, एक डे टू डे लाइफ कैसी होती है, मैं क्या करता हूँ सवेरे से शाम तक, इसका मैं एक छोटा सा विवरण आपको देता हूँ। वैसे हर दिन एक समान नहीं होते, किसी दिन जल्दी जाना होता है, किसी दिन देर से आना होता है, तो हर दिन का तो एक रूटीन हो नहीं सकता। पोस्टिंग्स पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। जब आप फील्ड में होते हैं तो कई बार फ्लड सिचुएशन में हो सकता है बहुत रात भर आपको काम करना पड़े। कई बार आप ऑफिस पोस्टिंग्स में होते हैं जहां आप लिबर्टी ले सकते हैं, थोड़ा घर पे काम कर सकते हैं। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरह की आपकी डे टू डे लाइफ है या डेली लाइफ है। लेकिन तब भी एक जनरल मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मैं क्या फॉलो करता हूँ। तो सबसे पहले तो अगर मैं दिन की शुरुआत करूँ तो मैं प्रयास करता हूँ 6 से 6:30 के बीच में उठ जाऊँ, और फ्रेश होने के बाद, एक चाय पीने के बाद, और अखबार की सुर्खियाँ देखने के बाद, अखबार पढ़ने के बाद नहीं, एक नज़र अखबार पर डालने के बाद मैं निकल जाता हूँ जिम करने के लिए। मुझे जिम करना बहुत पसंद है, मुझे लगता है कि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आप ज़िंदगी की सारी समस्याओं पर पार पा सकते हैं, लेकिन अगर आपके हेल्थ ने आपका साथ नहीं दिया तो मेरे ख्याल से आपको बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और ऑफिस जाने से पहले अगर आपने 1-1.5 घंटे का व्यायाम कर लिया तो आपको ऑफिस में भी बड़ा अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट का शुरू से ही एहसास होने लगता है। वैसे मैं प्रयास करता हूँ, और अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि सवेरे उठ के 1 घंटे आदमी को पढ़ना भी चाहिए, 20-25-50 पेज पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उस समय माइंड बड़ा फ्रेश रहता है। तो वो काम, तो ये बात सही है कि जब आप थोड़ा सा 20 साल आपकी सर्विस के हो जाते हैं, थोड़ा सा आपके अंदर वो जील थोड़ा सा नहीं रहती सवेरे पढ़ने वाली। लेकिन एज ए स्टूडेंट के रूप में अगर आप 5 बजे उठ के, और एक किताब आई है 5 AM क्लब, मैं तो 6-6:30 मेरा हो जाता है, लेकिन 5 AM क्लब कहती है कि आप 5 बजे उठ के 20-25 पेज पढ़िए पहले, उसके बाद फिर चाय पी के आप कुछ काम कीजिए, तो वो दिमाग बड़ा फ्रेश रहता है। तो जो भी इसको देख रहे हैं, मेरे आपसे एडवाइस रहेगी, ज्वाइन 5 AM क्लब फॉर होल ऑफ योर लाइफ, और आप जब तक लोग सो के उठेंगे 3 घंटे आप ऑलरेडी आगे रहेंगे, तो वो बहुत बेहतर चीज़ है। मैं प्रयास करता हूँ, अगर कभी कर पाऊँगा, वो दूसरा इंटरव्यू दूंगा तो बताऊँगा वो क्लब ज्वाइन कर लिया, लेकिन फ़िलहाल मैं 6-6:30 बजे उठता हूँ, और उसके बाद मैं व्यायाम करता हूँ ऑब्वियसली। उसके बाद आने के बाद आई जस्ट गेट फ्रेशनड अप, ऑफिस के लिए आता हूँ। ऑफिस के में लगभग मैं प्रयास करता हूँ टाइम पे आ जाऊँ, 10 बजे तक आ जाऊँ। और सही बात तो ये है कि IAS अफसर 24 घंटे ऑफिस में है। उस कोई भी, जब आप सेक्रेटरी होते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मेरे घर पर भी कैंप ऑफिस है, तो मैं घर पर भी बैठा हूँ, कोई काम नहीं हुआ या हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, करा के मुझे देना है। तो ये बहुत बहुत डिपेंड नहीं करता कि आप ऑफिस में फिजिकली बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, सारी जिम्मेदारी आपकी है। मोबाइल ने, जूम ने, वीडियो कॉल ने आजकल चीज़ों को बड़ा इजी बना दिया है। तो आजकल तो ई ऑफिस का भी ज़माना है, अगर आप, कई लोग तो ई ऑफिस पे ही चीज़ें निपटा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका ऑफिस में फिजिकल प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है आपके, वो तो आप काम करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी आप 24 आवर काम पे रहते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते क्योंकि आपके पास लैपटॉप है, सब कुछ है, आप मीटिंग भी कर सकते हैं जूम कॉल में। कोविड ने तो इसको और भी बड़ा प्रॉम्प्ट कर दिया है, तो वी आर ऑन 24 आवर कॉल। लेकिन एक, उसके बाद आप ऑफिस पहुंचते हैं, ऑफिस पहुंच के ऑब्वियसली आप दिन का एक स्टॉक लेते हैं। मेरी जो आदत है, मैं ज़रूर नोट डाउन करता हूं कि आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट 5-8 काम क्या है मेरे लिए। तो वो बड़ा इजी कर देता है कि आप चाय पीते हुए 8 काम अपने लिख लीजिए कि आज शाम को जाने से पहले ये 8 काम आपको करने हैं। तो उसके बाद आप सभी लोगों को, कंसर्न लोगों को निर्देशित कर दीजिए, आप उनको डायरेक्शन दे दीजिए कि दिस थिंग्स आई वांट टू गेट डन, क्योंकि आपके पास रेफरेंस होते हैं कि क्या काम प्रायोरिटी है, आपके चीफ सेक्रेटरी ने क्या बोला है, मिनिस्टर साहब ने क्या बोला है, या क्या आपकी प्रायोरिटी है, क्योंकि हर काम आप उसी प्रायोरिटी से नहीं कर सकते। अगर आपकी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं है तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि आपको क्या पहला करना है। साथ साथ ये भी देखिए कि आपके जो कई चीज़ के, जैसे क्या क्या होता है कि कई लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में भूल जाते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी है, तो उसका एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। बेहतर है कि एक रात पहले आप सोच लें कि आपको क्या क्या करना है। तो जितना आप सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, कई बार क्या होता है कि आपको लाइफ, आपको लगता है कि आप बहुत बिजी हैं, आप बिजी इसलिए रहते हैं क्योंकि आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं। और एक बात मैं आपको बता दूँ, कई बार आपको लगता है कि बहुत फाइल कर रहे हैं, आप ये देखिए कि आप डिसीजन ले रहे हैं। अगर आप हर फाइल पर डिसीजन लेते जाएँ तो आपके पास फाइलों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि उस पर अब काम होने के बाद आएगा। लेकिन अगर आप उसको घुमाते रहें तो वही फाइलें आ रही हैं, आपको लग रहा है बहुत बिजी हूँ। ये मैं सोचता हूँ ऐसा, कि अगर आप थोड़ा डिसाइसिव रहिए तो, अब भाई किसी चीज़ पे अगर आपके पास फाइल आई या आप कोई डिसीजन आया
तो आपने डिसीजन ले लिया, तो अब वो अप्रोच तब होगा जब वो डी काम हो जाएगा, तो उतने दिन के लिए आप उस वो फाइल से आप फिर आप उसको मॉनिटर करेंगे हुआ या नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से यू हैव टू टेक ए डिसीजन, चीज़ों को टालने से ऐसा नहीं है कि वो चीज़ नहीं आएंगी। आप तीन चीज़ पूछेंगे, अगर बहुत चीज़ पूछनी है तो आप सामने वाले को बुला लो, बट टेक डिसीजंस। आई लव टेकिंग डिसीजंस, कि डिसीजन लो और आगे बढ़ो, चीज़ों को गोल गोल घुमाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऑर्गेनाइज्ड आपकी लाइफ तब होती है जब आपको कोई चीज़ करनी है तो उसको कर दो, और जिसको जब करने का मन, जब जो आप जब आपको लगे दिस इज़ द राइट टाइम, डू इट। मुझे नाइके का वो बड़ा अच्छा लगता है जो उसका स्लोगन है, जस्ट डू इट। सोचने से कुछ नहीं होता, आप सोचते रह जाओगे टेट निकल जाएगी। इफ़ यू फील लाइक डू इट, अब आप देखेंगे 10 काम आप ऑर्गेनाइज करें, और मुझे तो कभी दिक्कत नहीं होती। अगर आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो तो शाम तक पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है कि सारे काम हो गए। और अपने नीचे वालों को भी, अपने जूनियर्स को भी, मुझे लगता है कि ऑफिस में सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको करना क्या है। यू गिव क्लियर डायरेक्शन, और क्लियर डायरेक्शन देना, विज़न क्लियर होना और डिसीजन लेना, अगर ये तीन चीज़ें आपने रखी तो मुझे लगता है बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके का आपका काम रहेगा। आपके पास सफिशियंट टाइम रहेगा काम ऑफिस करने का भी, मॉनिटर करने का भी, मीटिंग करने का भी। मीटिंग संक्षिप्त रखिए, कम मीटिंग कीजिए, संक्षिप्त कीजिए, इफेक्टिव कीजिए, सबको बता दीजिए और जिसको सबको टाइमलाइन दे दीजिए, फिर उसी को रिव्यू कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए लाइफ और ऑफिस को। फिर मैं 6:30-7 बजे घर जाता हूँ, प्रयास करता हूँ अगर मैं शाम को वॉक कर पाऊँ, फिर बच्चों को टाइम देता हूँ, मुझे चेस खेलने का शौक है अपने बच्चे के साथ, अब तो मेरा एक छोटा बच्चा और भी है तो उसके साथ खेलता हूँ। बच्चे सबसे बड़े स्ट्रेस बस्टर होते हैं मुझे लगता है, उनके साथ आप टाइम बिताइए, उनकी भोली बातें सुनिए। क्योंकि क्या होता है कि मुझे लगता है कि ये इंटरनेट और ये ओवर इन्फॉर्मेशन की दुनिया, OTT की दुनिया ने आपको आपसे ही छीन लिया है। आप इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरे हुए हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। कहते हैं ना कि इतने टुकड़ों में बट गया हूँ मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, तो ज़िंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। तो आपने अपने को इतना बांट रखा है, आप ये भी देख रहे हो, आप वो भी देख रहे हो, आप मैंने आप कहाँ हो। तो बी योर सेल्फ, अगर आप मेडिटेट कर सकते हो कुछ मत करो। मैं तो प्रयास करता हूँ, मैं नहीं कहूँ मैं बड़ा सक्सेसफुल हूँ, लेकिन ये प्रयास कीजिए कि आधे घंटे चुपचाप बैठ जाइए, कुछ ना कीजिए, अपने को टाइम दीजिए। तो कई बार क्या होता है कि सब कुछ पाने के प्रयास में आप बहुत ही हेफाजत टाइप की ज़िंदगी जीते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है 1-2 घंटे बच्चों के साथ बात करके, उनके साथ टाइम बिता के। मैं प्रयास करता हूँ कि सोने से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही हैं उसको देख लूँ, ज़रूर कुछ पढ़ के सोऊँ। कुछ पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं एक बात और भी बताऊँगा, इस मोबाइल का, इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ भी है। आप क्या करना चाहते हैं, इस पर कई अच्छे आपको मोटिवेशनल लेक्चर मिलेंगे, ओशो मिलेंगे, मतलब आप क्या देखना चाहते हैं उसको अगर आप सही तरीके से देखिए तो आपके इंटरेस्ट की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मुझे डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है, मुझे जो YouTube पे टॉक्स आते हैं, टेड टॉक्स देखना पसंद है, मुझे बड़े लोगों की बातें सुनना पसंद है। आप किताबें नहीं पढ़ सकते, आप ओशो को लगा के सुन सकते हैं, आप सद्गुरु को सुन सकते हैं। तो मैंने मेनी मेनी थिंग्स यू कैन डू थ्रू मोबाइल एंड थ्रू योर टैब। अगर आप पढ़ सकते हैं और सोने से पहले, मुझे लगता है कुछ अच्छा पढ़ के, कुछ अच्छा सुन के सोने से हमेशा एक अच्छी नींद आती है, और एक भरपूर 8 घंटे की नींद लीजिए, उसमें कोई कोताही मत कीजिए। जितना आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, जितना ज़्यादा आप आराम करेंगे, आपको लगता है कि आपका टाइम चला जा रहा है सोने में, नहीं, जितना ज़्यादा आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी उतना ही बेहतर प्रोडक्टिव काम आप कर पाएंगे। तो बॉडी को पूरा रिलैक्स कीजिए, दिमाग में क्लियरिटी रखिए, कम जानिए, बहुत ओवर इन्फॉर्मेशन से आप परेशान हो जाएंगे। और इस कहते हैं ना कि इतना कंटेंट OTT पे आ गया है कि 1200 साल आपको लग जाएंगे देखने में, तो लाइफ तो बहुत छोटी है। तो प्रायोरिटाइज़ कीजिए अपने काम को, अपनी लाइफ को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को। लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पे भी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, हमेशा हमारे ACR में 100 शब्द लिखने को आता है कि 100 शब्द बताइए कि आपने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेप्शनल काम किया। तो मुझे लगता है कि वो 100 शब्द अगर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बता पाएँ तो एक सार्थक ज़िंदगी आप जी सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए कि जब किसी डिपार्टमेंट को आप छोड़ के जाएंगे तो अपनी आत्मा से पूछिएगा कि क्या वो 100 शब्द में आपने वो काम किया, क्योंकि 5-10 काम भी अगर आपने इफेक्टिव कर दिए और हर आदमी ऐसे ऐड करता चले तो मेरे ख्याल से बहुत काम किया जा सकता है। लेकिन आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका विज़न होना चाहिए और आपको उस पर काम करना चाहिए। तो आप यही सोचें कि अगर एक डिपार्टमेंट में हर व्यक्ति 10-10 काम जोड़ता चला जाए तो कितने काम हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से कि ये एक ऑर्गेनाइज लाइफ है। रेस्ट सैटरडेज़ को मुझे मित्रों के साथ पार्टीज़ करना पसंद है, अपने को टाइम देना पसंद है, रिलैक्स करना पसंद है। शोज़ देखिए, दिल्ली बहुत अपॉर्चुनिटी देती है, कई बार हमारी पोस्टिंग लक्षद्वीप में भी रहती है,
तो दिल्ली में शोज़ हैं, ड्रामा है, मूवीज़ हैं, जो कि अब जो भी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी के साथ भी बहुत अच्छा आपको रिफ्रेशमेंट फील होता है। तो इसको अवॉइड मत कीजिए। लाइफ एक बकेट में आती है, इसमें हर चीज़ का अपना एक महत्व है। आप ये मत सोचिए कि आप एक्स ए से लेकर जेड तक सभी अक्षरों का महत्व है। तो 26 अक्षरों का वर्णमाला जो होती है उस अल्फ़ाबेट को लाइफ में रखिए, तभी आप एक कंप्लीट लाइफ जी पाएंगे। ना सर्विस सब कुछ है, ना परिवार सब कुछ है, लाइफ समवेयर इज़ ए बैलेंस। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, आप आईएएस हो या किसी सर्विस में हो, हर सर्विस का उतना ही महत्व है। कोई बहुत ऐसी विशेष बात नहीं है, हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है। अगर मैं आईएएस हूँ, अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरे पीछे भी एक टीम लगी हुई है, और मैं उन सभी लोगों को श्रेय देता हूँ जिन्होंने मुझे कुछ काम करने के काबिल बनाया। बिना उनके सपोर्ट के मैं ये बात आपसे ना कह पाता। तो हर व्यक्ति का उस इमारत में हर ईंट का उतना ही योगदान है जितना कंगूरे का है। मैं एक प्रवक्ता हो सकता हूँ, मैं उसका एक स्पोक्स पर्सन हो सकता हूँ, मैं एक लीडर हो सकता हूँ, लेकिन उसमें सभी लोगों की मेहनत शामिल है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर इसमें सफलता प्राप्त कीजिए, लेकिन आप अदरवाइज़ भी कोई काम कर रहे हैं तो आप उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। यह मत सोचिएगा कि अगर आप यहाँ पे नहीं हैं तो आपके जीवन का कोई और महत्व नहीं है। आपका पर्याप्त महत्व है। एक टीचर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक आईएएस अफसर या एक शिक्षा सचिव। मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना, मैं बहुत आभारी हूँ और आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।